तो ईदी साहब के साथ कुछ ऐसा हुआ कि आप अपनी ही शादी में शामिल ना हो सके। जैसे ही आपने अपना नाम लिया, उस डाकू ने आपका हाथ पकड़कर चूमना शुरू कर दिया। और बर्तन धोने जाते थे शादियों में, दूध बेचने जाते थे। आपका इतना कहना था कि हर तरफ से जूतों, डंडों और कुर्सियों की बारिश शुरू हो गई। लोग धक्के मारकर आपको बाहर निकाल रहे थे। खुदा को ढूंढना है तो इनमें खुदा है। अब्दुल सत्तार ईदी साहब माँ की तदफीन के बाद घर आए तो खिड़कियां दरवाजे बंद करके थाड़े मार कर रोए। तो मैं जन्नत में जाके दुखियों की खिदमत करूंगा, मुझे तो जन्नत में जाना है। आपके खर्चे पर हरामियों की तरबियत हो रही है। 16,000 हरामी बच्चे पाल के एहसान करता है, मैं बच्चे पाले? तू की लोगों को भीख मांग के बच्चे पाले? फिर वो दिन आया जब ईदी साहब के ऊपर एक कातिलाना हमला हुआ। लेकिन जब ईदी साहब को निकाला गया तो उनकी हालत तश्वीशनाक थी। उनका सर फट चुका था, नाक टूट चुकी थी और जिस्म के दूसरे हिस्से में शदीद चोटें आई हुई थी। कि खुदा के लिए जल्दी पहुंचो वरना ईदी मर जाएगा। मैंने भी कोटाना चाहता था, मेरे कंधे पे बंदूक चला क्या था ना। कौन था उसमें? इमरान खान। मुझे इन लोगों ने कहा था कि हम आपको किडनैप करके ले जाएंगे। एक वक्त था जब बरेसगिर के लोग बरतानवी राज की जंजीरों में जकड़े हुए थे, जब हर तरफ नाइंसाफी, जुल्म और गुर्बत का राज था। उस वक्त के लोग सिर्फ आज़ादी ही नहीं बल्कि इज्जत और इंसानियत की बका के लिए भी लड़ रहे थे। यह वो दौर था जब बरेसगिर में लोग भूख और बीमारी से मर रहे थे। जहाँ एक तरफ इंसानियत के बचने की कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही थी, वहीं दूसरी तरफ गुजरात के एक छोटे से शहर में एक माँ एक ऐसे बच्चे की परवरिश कर रही थी जिसने आने वाले सालों में दुनिया के लिए मिसाल बन जाना था। ये एक ऐसा शख्स था जिसने बगैर किसी इम्तियाज के हर मज़हब हर कौम के लोगों की मदद करनी थी। जब बरतानवी राज के खिलाफ जद्दोजहद अपने अरूज पर था तो इस शख्स ने सियासी जंग से हटकर इंसानियत की खिदमत की वो राह चुनी जो लोगों के दिलों में उम्मीद का दिया जला गई। 50 की दिहाई हो या फिर 70 की दिहाई, उसने हर दौर में उन लोगों का साथ दिया जो समाज के सबसे ज़्यादा बिछड़े हुए थे, उन लोगों का साथ दिया जिनका कोई ना था। आज हम उस अजीम शख्सियत को जानेंगे जिसने इंसानियत का परचम बुलंद किया, एक ऐसा शख्स जिसने इंसानियत के लिए अपना सब कुछ हार दिया। हम बात कर रहे हैं जनाब अब्दुल सत्तार ईदी साहब की। मैं 4-5 रोज से बीमार हूँ तो भी बैठा हूँ, काम ही करता हूँ। हम अभी भी इंसानियत को नहीं मानते, हम कबीलों में सिस्टम में बटे हुए हैं। मैं आम इंसानों का बंदा हूँ और ढूंढने के लिए आम इंसानों में जाके मुझसे मिलो। ना जात पात ना मजहब, सिर्फ इंसान इंसान को। मैं हूँ अब्दुल सत्तार ईदी, मैं हूँ पाकिस्तान। अब्दुल सत्तार ईदी अपनी बेगम के साथ एक मैयत को लेकर सांगड़ जा रहे थे। तो जब वो रस्ते में थे तो सफेद कपड़े पहने हुए डाकू जिनके सरों पर पगड़ियां और हाथों में कुल्हाड़ियां थीं, वो गाड़ी के सामने आ गए और गाड़ी को रोकने का इशारा किया। एक लम्हे के लिए तो अब्दुल सत्तार ईदी, उनकी बेगम और उस गाड़ी में मौजूद मैयत की मां डर गए। अगर अब्दुल सत्तार ईदी साहब चाहते तो गाड़ी उनके ऊपर से गुजार कर उनको कुचलते हुए आगे निकल जाते, लेकिन आपने ऐसा बिल्कुल नहीं किया। आपने तभी गाड़ी रोक दी। फिर एक डाकू कुल्हाड़ी लिए धीरे धीरे गाड़ी की तरफ आ रहा था। जैसे जैसे वो करीब आता जा रहा था, उन सब की धड़कनें बढ़ती जा रही थी। सफेद कपड़े पहने हुए थे और ये पगड़िया भी पहने हुए थे और कुल्हाड़ियाँ थी। औरत बोलती है कि अब्दुल सत्तार ईदी है, मेरी बच्ची मर गई है, हमको ये छोड़ने जा रहे हैं। ये सुनते ही वो डाकू भागा भागा दूसरी गाड़ी में मौजूद अपने सरदार के पास गया और उसने सब कुछ जाके बता दिया। तब ही वो डाकुओं का सरदार भागा भागा आया और गाड़ी की फ्रंट सीट पर लाइट मारते हुए कहा, क्या आप अब्दुल सत्तार ईदी हैं? तो आपने कहा, जी मैं ही अब्दुल सत्तार ईदी हूँ। जैसे ही आपने अपना नाम लिया, उस डाकू ने आपका हाथ पकड़कर चूमना शुरू कर दिया और उन्होंने 20 लाख रुपए की रकम आपको देना चाही, लेकिन आपने इनकार कर दिया। उस डाकू ने इसरार करते हुए कहा कि ईदी साहब आप ये रकम ले लीजिए, क्योंकि हम जैसे लोग जब पुलिस मुकाबले में मारे जाते हैं तो आप ही हमारे कफन दफन का इंतजाम करते हैं। और बोलते हैं कि हम मर जाएंगे ना, तो हमको पता है तू हमको मट्टी में डालेगा, तो ये 100 रुपए रख ले हमारे। इससे ये साबित होता है कि ईदी साहब की इंसानियत पसंदी और खलूस हर किसी को मुतासिर करता था, चाहे वो डाकू ही क्यों ना हो।
और इसी जज्बे की जो असल कहानी है वो शुरू होती है बरतानवी हिंदुस्तान की रियासत गुजरात से। आप 28 फरवरी 1928 को बरतानवी हिंदुस्तान की रियासत गुजरात के छोटे से शहर बांटवा में पैदा हुए। नस्ली तौर पर आपका ताल्लुक ईदी खानदान से था। असल में कई साल पहले ईदी मोहल्ला नाम का एक गांव हुआ करता था। गुजराती जुबान में ईदी लफ्ज का मतलब सुस्त और काहिल है, लेकिन असल में ईदी कबीले के लोग निहायत ही मेहनत कश थे। वो किसी भी किस्म के झगड़े और फसाद में उलझने को पसंद नहीं करते थे। आपके वालिद बम्बई में कमीशन एजेंट के तौर पर काम करते, जबकि आपकी वालदा घर की सारी जिम्मेदारियां संभालती। बचपन में आप खासे शरारती थे। आप अक्सर अपने दोस्तों के साथ मिलकर गाड़ियों के पीछे से खरबूजे निकालते और दरख्तों पर चढ़कर जानवरों की आवाज़ें निकालते, जिससे लोग डरकर भाग जाते थे। आपकी शरारतों की वजह से आपके वालदैन ने आपको स्कूल में दाखिल करवा दिया, जहां पर आपके उस्ताज़ ने आपको क्लास का मॉनिटर बना दिया ताकि ये जिम्मेदारी को समझते हुए अपनी शरारतों से बाज आ जाए। फिर आपकी वालदा ने आपकी तरबियत करने में एक बहुत ही ज़्यादा अहम किरदार अदा किया। अब्दुल सारिदी साहब कहते हैं कि माँ मुझे स्कूल जाने से पहले 2 पैसे देती और कहती कि 1 पैसा तुम्हारा है जबकि दूसरा किसी ज़रूरतमंद को दे देना, लेकिन देने से पहले ये लाजमी देख लेना कि लेने वाला वाकई ज़रूरतमंद है या नहीं। फिर जब घर आता तो माँ सबसे पहले यही सवाल करती कि बताओ तुमने 1 पैसे का क्या किया है। फिर उखड़ी उखड़ी वजाहत सुनकर वो कहती खुद गर्ज लोग किसी को भी देना नहीं चाहते और कहती कि बेटा गरीबों को सताना अच्छी बात नहीं होती, उनकी हर मुमकिन मदद किया करो। मेमन बरादरी के अफराद साल के 10 महीने बम्बई, हैदराबाद और दूसरे शहरों में कारोबार किया करते थे। जब आपके वालिद साहब घर से बाहर होते तो गिरी, पिस्ता, काजू, बादाम वगैरह घर बेच देते, लेकिन आपकी माँ अपने और आपके हिस्से का सारा फल उन लोगों में तकसीम कर देती जो ज्यादा जरूरतमंद थे। बांटवा के इर्द गिर्द गरीब बस्तियां आबाद थी। अब्दुल सतारदीदी साहब उन बस्तियों में जाकर गरीब, नादारों और जरूरतमंदों की मुश्किलात मालूम करते और वापिस आकर अपनी माँ को उनके हालात से आगाह करते। फिर आपकी वालदा खाने पीने की चीजें और दवाइयां देकर उल्टे पाँव वापस भेज देती। धीरे धीरे आपके ऊपर आपकी वालदा की तरबियत का असर हो रहा था। अब वो बच्चा जो कल तक शरारते करके घर आता, जिसे अपनी माँ के गुस्से का सामना करना पड़ता था, फिर एक दिन वो बच्चा जब झगड़ा करके घर आया तो माँ ने उसके ऊपर गुस्सा नहीं किया बल्कि उल्टा उसे शाबाश दी। आखिर क्यों? दरअसल अब्दुल सतारिदी साहब बताते हैं कि जब मैं स्कूल जा रहा था तो मैंने कुछ लड़कों को एक माजूर और कमजोर इंसान को तंग करते देखा, क्योंकि एक गरीब इंसान का रास्ता रोककर उसका मजाक उड़ा रहे थे। जब मैं उनके पास गया तो मैंने उन बच्चों को कहा कि आप इस कमज़ोर शख्स को तंग ना करें, क्योंकि ये मेरी माँ कहती हैं कि गरीबों को तंग करने से खुदा नाराज़ हो जाता है। लेकिन उन शरारती बच्चों ने आपका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया और आपको पकड़ कर आपको मारना शुरू कर दिया। इतने में वो माजूर भी वहाँ से चले गए। इस झगड़े से आपको थोड़ी चोट ज़रूर आई, लेकिन आप खुश भी हुए क्योंकि खुदा ने आपके हाथों एक कमज़ोर को निजात दिलाई। फिर जब आपने घर आकर अपनी माँ को बताया तो माँ ने पहली दफ़ा झगड़े पर शाबाश दी। माँ की ऐसी परवरिश ने आपके अंदर इंसानियत के लिए एक जज्बा पैदा कर दिया था, एक ऐसा जज्बा जिसने पूरी ज़िंदगी आपका साथ देना था। थोड़े ही अरसे के बाद आपने स्कूल छोड़ने का फैसला कर लिया और जब 11 साल के हुए तो आपने कपड़े के ताजर हाजी अब्दुल्ला की दुकान पर नौकरी करना शुरू कर दी। वहाँ से आपको महाना 5 रुपये मिलते, जिसमें से 4 आप अपनी माँ को दे देते जबकि 1 आप अलमारी पर पड़ी हंडी में डाल देते। आप दुकान पर सबसे पहले आकर साफ सफाई करते थे, मालिक के लिए चाय लाते और उनके बच्चों को स्कूल से भी लाया करते थे। आप वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा लगन से काम करना शुरू कर दिया। आपको देखकर ताजर ने आपको वहाँ का अमीन बना दिया। आप अक्सर दोस्तों के पास बैठे बड़े बड़े ख्वाब देखते रहते कि एक दिन मैं गरीबों के लिए अस्पताल बनाऊँगा, फैक्ट्रियाँ बनाऊँगा जहाँ गरीब काम करेंगे। लेकिन आपके दोस्त आपका मजाक उड़ाते और कहते स्टार मियाँ, तुम्हारे दिमाग का ये फितूर बहुत जल्द दम तोड़ देगा और तुम अपने असली मुकाम पर आ जाओगे। किले बांधता था। अच्छा। मैं ये करूंगा, ये मानते नहीं थे, मुझे शेख चली और पागल कहते। दूसरी तरफ ये एक ऐसा वक्त चल रहा था जब बरतानवी साम्राज्य दम तोड़ रहा था। बरिसगिर पाको हिंद के नाम से एक नया सियासी और जुग्राफियाई खिता मारे वजूद में आने को था।
अजीम रहनुमा मोहम्मद अली जिन्ना बाटवा के मुसलमानों से खिताब कर चुके थे और अब्दुल सतार ईदी कहते हैं कि हमने पाकिस्तान के हक में नारे लगाए और मेमन बरादरी ने 35,000 रुपये जिन्ना को पेश किए। जिन्ना साहब ने अपनी तकरीर में कहा था कि हिंदुस्तान में रह जाने का फैसला भारत के लिए मुफीद और पाकिस्तान के लिए तबाहकुन होगा, क्योंकि इस तरह पाकिस्तान मेमन बरादरी के इंतहाई तजर्बाकार कारोबारी तबके से महरूम हो जाएगी। चुनाचा मेमन बरादरी और उसमें मौजूद अब्दुल सतार ईदी साहब के खानदान ने भी पाकिस्तान जाने का फैसला कर लिया। और फिर जब पार्टीशन हुई तो मेमन बरादरी के तकरीबन 4,000 अफराद ने पाकिस्तान की तरफ हिजरत की और कराची में आ बसे। वहां पहुंचकर अब्दुल सतार ईदी साहब के वालिद जोड़िया बाजार छाबा गली में एक कमरा किराए पर ले लिया। मेमन बरादरी को शुरू शुरू में बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई, लेकिन अपने कमाल के तजर्बे और काबिलियत की वजह से बरादरी के लोग कोई ना कोई काम करने लग गए। दूसरी तरफ अब्दुल सतार ईदी साहब के वालिद ने भी आपको कुछ पैसे दिए ताकि आप कोई छोटा मोटा कारोबार कर सके। आपने उन पैसों से एक थाली ली और उसमें माचिस पेंसिल सजाकर हाथ में तौलिये पकड़कर बाजार में बेचना शुरू कर दिए। आपको उस रूप में देखकर आपके दोस्त मजाक उड़ाया करते थे। अब्दुल सतार ईदी साहब कहते हैं कि जो लोग जल्दी में होते वो बाजार में मुझे धक्का देकर गुजर जाते और कुछ लोग रुककर माचिस की डब्बी उठाते और उसमें से तीली निकालकर उसे देखते और वापस रख देते, और कुछ लोग पेंसिल उठाकर उंगलियों में घुमाते और पेंसिल पर कंपनी का नाम पढ़ते हुए कहते कि बिल्कुल बेकार है। लोग कमाल बेनियाजी से ये एहसास किए बगैर चले जाते कि उन्होंने किस बेदर्दी के साथ किसी गरीब का दिल दुखाया है। खैर, उसके बावजूद आपने अपना काम जारी रखा, लेकिन दिल ही दिल में आपको खुली आंख से देखे हुए वो बचपन के ख्वाब सताते थे जिसमें आपने खुद से इंसानियत की खिदमत करने का ओहद किया था, लेकिन अपने काम की नुयत की वजह से आपको वो ख्वाब टूटते हुए नजर आ रहे थे। आपके पास वसाइल नहीं थे, लेकिन सोच बड़ी थी। रास्ता कठिन जरूर था, लेकिन नामुमकिन नहीं। फिर वो दिन आया जब आपको जिंदगी में पहली दफा अपने ख्वाब सच होते नजर आ रहे थे। साल 1948, आपके हाथ एक इश्तिहार लगा जिसमें ये लिखा हुआ था कि मीठा दर में पहली इंसानियत की मदद करने वाली तंजीम की बुनियाद रख दी गई है, जिसका नाम बांटवा मेमन डिस्पेंसरी रखा गया है, जिसकी सरबराही मेमन बरादरी के लोग कर रहे थे। खैर, अब्दुल सतार ईदी ने भी उस तंजीम को जाकर ज्वाइन कर लिया। आपके जिम्मे कुछ काम लगा दिए गए। आप वो सारा कुछ जो था वो खुशी के साथ कर रहे थे, लेकिन आपकी ये खुशी जो थी वो ज़्यादा अरसे तक नहीं रह सकी, क्योंकि वहाँ रह के आपको एक ऐसी अनोखी चीज़ का पता चला जिसने आपको हैरान कर दिया कि ये तंजीम सिर्फ मेमन बरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों की ही मदद करती है और उन्हीं को मुफ्त अदवायात और सारी सहूलत देती है। मेमन बरादरी के अलावा कराची में जितने भी लोग थे उनको नज़रअंदाज कर दिया जाता है, और ये चीज़ अब्दुल सतार ईदी साहब को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। उन्होंने ज़ात और कबीले से बालातर होकर तमाम लोगों को मुफ्त अदवायात देना शुरू कर दी, लेकिन फिर आपकी शिकायत बरादरी के बुजुर्ग मेम्बरान से कर दी गई कि अब्दुल सतार ईदी कानून की खिलाफ वर्जी कर रहा है। जब उन लोगों को पता चला तो वो इंतहाई गुस्से हुए और उन्होंने आपसे सारे अख्तियारात छीन लिए, आपसे सख्त काम लेने लग गए। सब लोग काम करके चले जाते लेकिन आप सारी सारी रात काम करते रहते, लेकिन आपके अंदर एक गुस्सा था, एक भड़ास थी कि ये कैसे लोग हैं जो खिदमत खलक जैसे एक बड़े काम को बदनाम कर रहे हैं। खैर, फिर वो दिन आया जब आपको अपनी भड़ास निकालने का मौका मिला। मेमन बरादरी के लोगों ने एक फलाही तकरीब का आगाज किया जिसमें वो लोगों से खिताब कर रहे थे और कुर्सियां जो थी वो मेमन बरादरी के लोगों से भरी पड़ी थी। जैसे ही खिताब शुरू हुआ आप खड़े हो गए और बोलने की इजाज़त तलब की तो वहां मौजूद सब लोगों ने कह के लगाना शुरू कर दिए और बरादरी के कुछ लोगों ने आपको धमकी दी कि चुप होकर नीचे बैठ जाओ वरना धक्के मारकर बाहर निकाल दिया जाएगा। फिर आपको ज़बरदस्ती नीचे बिठा दिया गया। फिर कुछ देर के बाद आपने एक लंबा सांस लिया और खड़े होकर सब कुछ कह डाला। आपने कहा, बेवाओं और यतीमों के सामने चंद टुकड़े फेंककर उनको मफलूज कर दिया जाता है ताकि ये लोग हमेशा मकरूज और गुलाम रहें। क्या आप ये चाहते हैं कि हालात के शिकार ये लोग रेंगते हुए आपके कदमों में आकर गिरे? सिलाई मशीनें और पुराने कपड़े बांटने के लिए तकरीबात मुनक़द होती हैं, जलसे करवाए जाते हैं जिस पर फजूल पैसा खर्च होता है। ये मेज खुद नमाई और अपनी ज़ात की मशहूरी नहीं तो और क्या है? आपका इतना कहना था कि हर तरफ से जूतों, डंडों और कुर्सियों की बारिश शुरू हो गई। लोग धक्के मारकर आपको बाहर निकाल रहे थे। आपको ये धमकी भी दी गई कि आज के बाद कभी भी डिस्पेंसरी में नजर ना आओ। आप कहते थे, जब मुझे बाहर निकाला गया
तो इस खौफ में मुब्तला हो गया कि ये लोग अब मेरी जिंदगी जहन्नम बना देंगे। फिर जब भी उस रास्ते से गुजरते, मेमन बच्चे आप पर आवाजें कसते और बुजुर्ग आपके सलाम का जवाब तक नहीं देते थे। उस वक्त आपके ऊपर मायूसी छा गई, आप अकेले हो गए, कोई भी आपके साथ खड़ा होने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन आपने हिम्मत नहीं हारी, आप शादियों में बर्तन धोने जाते, दूध और अखबार बेचते, फेरी लगाते, आपने ये तमाम छोटे छोटे काम करके कुछ पैसे जमा किए ताकि मैं इंसानियत की खिदमत कर सकूं। और बर्तन धोने जाते थे शादियों में, दूध बेचने जाते थे, अखबार बेचने जाते थे, पता नहीं क्या छोटे छोटे काम करते थे। उनको एक जुनून था कुछ बड़ा करने का। खैर, उन्होंने अपनी सारी जमा पूंजी से मीठा डर के इलाके में एक दुकान खरीदी और उसमें एक डिस्पेंसरी कायम की, जिसमें उन्होंने चंद अदवायात और जरूरी सामान रखा। वो अपने काम के साथ साथ अब डिस्पेंसरी को भी वक्त देने लग गए थे। जो भी कमाते डिस्पेंसरी पर लगा देते। धीरे धीरे वो उसमें तब्दीली लाते गए और एक डॉक्टर भी रख लिया जो मरीजों को देख लेता। आपने उस डिस्पेंसरी के लिए दिन रात एक कर दिए, यहाँ तक कि आप रात गए तक भी डिस्पेंसरी रहते और बाहर ही बेंच पर सो जाते ताकि रात देर से आने वालों की भी मदद की जा सके। आपके बेलोस काम की वजह से मेठाडर और आस पास के इलाकों से लोग आपकी डिस्पेंसरी में आना शुरू हो गए। आपके काम को देखकर लोगों ने आपकी मदद करना शुरू कर दी। वो डिस्पेंसरी के लिए चंदा देते और यहाँ तक के कुर्बानी की खालें भी देना शुरू कर दी। फिर मरीजों की मजीद देखभाल के लिए अब्दुल सतारीदी साहब ने नर्सिस को भी हायर करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे हालात बदलते जा रहे थे, जबकि दूसरी तरफ आपकी माँ, जिन्होंने सबसे पहले आपको इंसानियत की खिदमत की तरबियत दी थी, वो बहुत ज्यादा बीमार हो चुकी थी। एक दिन जब आप डिस्पेंसरी के अंदर मामूल के मुताबिक काम कर रहे थे, तो अचानक आपका एक हमसाया भागते हुए आपके पास आया और उखड़ी हुई सांस के साथ कहा कि आपकी माँ चक्कर खाकर जमीन पर गिर गई हैं। तो आप भागते हुए घर गए, देखा कि माँ एक हाथ से बर्तन धो रही है। तो जब आपने माँ को चारपाई के ऊपर बिठाया, तो आपके पांव के तले से जमीन निकल गई, क्योंकि माँ के जिस्म का आधा हिस्सा फालिज की लपेट में आ चुका था। ये देखते ही आप अपने होश खो बैठे और सोच में मुब्तला हो गए। लेकिन आपकी माँ ने दूसरा हाथ उनके गाल पर रखते हुए कहा, मेरे प्यारे बेटे, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अरे छल्ले, तू क्यों परेशान हो रहा है? लेकिन अब्दुल सतारीदी साहब अपनी माँ को देखते जा रहे थे। आपने अब घर में रहना शुरू कर दिया और माँ की देखभाल करने लग गए। आप अपनी माँ को खुद नहलाते, रोटी बनाते, खाना खिलाते, घर की सफाई करते, सारा काम खुद करते। यहाँ तक कि डिस्पेंसरी वाले भी घर आना शुरू हो गए, तो आप वहीं से उनको कुछ मालूमात देकर वापस भेज देते। आपकी माँ अपनी बूढ़ी और कमजोर आंखों से आपको ये सारा काम करते हुए देखती रहती, क्योंकि वो जानती थी कि ये कोई गैर मामूली काम नहीं है। और साथ ही साथ वो ये दुआ भी करती कि खुदा मुझे जल्द उठा ले, मैं अपने बेटे के ऊपर बोझ नहीं बनना चाहती। ईदी साहब कहते हैं कि माँ रोजाना मुझे कहती, बेटा अब तू शादी करवा ले, लेकिन मैं हंस कर उनकी बात टाल देता। फिर कभी कभार आप डिस्पेंसरी भी चले जाया करते थे। अब वहाँ पर नर्सेज ने भी काम करना शुरू कर दिया था और उन नर्सों में से एक ऐसी नर्स भी थी जिसकी उम्र तकरीबन आप ही के जितनी थी, जिसका नाम अमीना था। वो आपको ज्यादा काबिल और खिदमत गुजार मालूम होती थी। वालदा की नसीहत पर अमल करते हुए आपने अमीना को निकाह की पेशकश की, तो उन्होंने कहा कि मैं माँ से पूछकर बताऊंगी। कुछ दिनों के बाद जब वो दोबारा डिस्पेंसरी आई, तो इदी साहब ने उनसे पूछा कि फिर क्या फैसला किया। तो अमीना ने कहा कि मुझे देने के लिए तुम्हारे पास क्या है, तुम मुझे कहाँ रखोगे, तुम्हारी बीमार माँ भी तुम्हारे पास रहती है, तुम डिस्पेंसरी के बाहर बेंच पर सोते हो। इदी साहब जान चुके थे कि अमीना खुद ही इनकारी है। और वो 12 साल से एक साथ काम करते थे और दो अच्छे दोस्त थे, लेकिन है ना, टाइम पे उस औरत ने मना कर दिया, तू फकीर है, तू गरीब है, तेरे से मैं शादी नहीं करूंगी। उसके बाद इदी साहब के लिए 7 रिश्ते तजवीज हुए, लेकिन सबका जवाब एक सा ही था। फिर आपने फैसला किया कि मैं शादी का ख्याल जहन से निकाल दूंगा, जबकि दूसरी तरफ माँ की कमजोर हालत आपको मसलसल सताई जा रही थी। खैर, फिर वो दिन आया जब आपकी वालदा ने दुनिया को खैरबाद कह दिया। अब्दुल सतार इदी साहब माँ की तदफीन के बाद घर आए, तो खिड़कियां दरवाजे बंद करके थाड़े मार कर रोए। आपको उनकी कही हुई हर बात याद आने लग गई। माँ के गुजर जाने के बाद आपके अंदर पूरी दुनिया की काया पलटने का जज्बा पैदा हो चुका था।
अब आपने डिस्पेंसरी के अंदर पहले से ज्यादा पुरजोश अंदाज से काम करना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि आपने मीठा दर की नालियों, गटरों और सड़कों की सफाई करना शुरू कर दी ताकि लोगों के अंदर शौर पैदा किया जा सके। लेकिन आपको काम करता देखकर लोग गुजर जाते और सोचते कि शायद कोई सफाई करने वाला है, लेकिन आपको इस बात का दुख होता कि मैं जो बगैर किसी मुआवजे के इनकी गलियों मोहल्लों की सफाई कर रहा हूँ, लेकिन ये मुझे थपकी तक नहीं दे सकते। और उल्टा लोग ये बातें बनाते कि हाजी शकूर का बेटा पागल हो गया है, लेकिन आप उनकी सारी बातों को नजरअंदाज करके अपने काम में मगन रहते। 1957 में कराची के अंदर हांग कांग फ्लू फैला, जिसकी वजह से हजारों लाखों लोग उसकी जद में आ गए और पाकिस्तान के बहुत सारे अदारे उसके ऊपर काबू पाने में नाकाम रहे। ये फ्लू मुसलसल बढ़ता जा रहा था और लोग मुसलसल अपनी जान की बाजी हार रहे थे। लेकिन फिर एक ऐसा शख्स मैदान में आया जिसने तन्हे तन्हा वो कारनामा करके दिखाया जो पाकिस्तान के बड़े बड़े अदारे मिलकर नहीं कर सके। वो शख्स था अब्दुल सतार ईदी। ईदी साहब ने उस फ्लो पर काबू पाने के लिए एक कंपेन चलाई। आपने कराची के मुख्तलिफ इलाकों में जगह जगह कैंप लगाना शुरू कर दिए। आप घर घर जाकर मरीजों को चार पाइयों पर लिटाकर कैंप लाते और सिविल अस्पताल में आप काम कर रहे नौजवान लड़कों को बुलाकर लाते और कैंप्स के अंदर मरीजों को ड्रिप और टीके लगाते। आपकी इस कमाल के जद्दोजहद ने लाखों लोगों को मौत के मुंह से निकाल लिया। फिर जहां आपको कोई नहीं जानता था, वहां कराची के हर शख्स की जुबान पर सिर्फ एक ही नाम था, अब्दुल सतार ईदी। पाकिस्तान भर से आपको ढेरों फंड मिले। एक कारोबारी मेमन ने आपको 20,000 रुपये का अतिया दिया। फिर उन पैसों से आपने एक सेकंड हैंड वैन खरीदी जिसके पीछे आपने लिखवा दिया गरीब आदमी की वैन। ये वो वक्त था जब कराची भर में सिर्फ 5 एम्बुलेंस होती थी और वो भी बुक करवानी पड़ती थी, जिसकी वजह से अब्दुल सतार ईदी साहब ही वो वाहिद इंसान थे जिनकी एम्बुलेंस हर जगह जाती हुई नजर आती, जिसकी वजह से आवाम उन्हें धड़ाधड़ चंदा जमा करवाती। बहुत सारे ऐसे लोग भी थे जो उनके खिलाफ आवाज़ें कसते और तरह तरह की साजिशें करते कि ये बंदा सारा माल खुद पर खर्च करेगा, ये गरीबों का हक खा जाएगा, वगैरह वगैरह। और फिर उनका मुंह बंद करने के लिए ईदी साहब ने अपनी डिस्पेंसरी के बाहर ये लिखवा दिया कि जो कोई भी इंसान चंदा जमा करवाता है वो जब चाहे अपनी रकम वापस ले सकता है। उस चीज़ ने लोगों के दिलों में आपके लिए एतमाद मजीद बढ़ा दिया। फुटपाथों पर पड़े अपाहजों, मजारों और दरगाहों में लिपटे हुए ज़हनी मरीजों, सीमट के पाइपों में पनाह गजीर बूढ़ों को देखते हुए आपने कमरे किराए पर लेना शुरू कर दिए ताकि उनको एक मुनासिब छत मुहैया की जा सके। आप वो लाशें भी उठाते थे जिनको उनके घर वाले देखकर मुंह पर कपड़ा रख लेते। आप खुद उन पर से कीड़े साफ करते, खुद गुसल और खुद दफन करते। फ्लाही काम तो आप कर ही रहे थे, लेकिन उसके साथ साथ आप कपड़े धोने से लेकर रोटी बनाने तक सारे घर के काम खुद करते और कहीं ना कहीं आप शादी के बारे में भी सोच रहे थे। लेकिन फिर एक ऐसी लड़की आपकी जिंदगी में आई जिसने आपके मकसद को मुकम्मल करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उन दिनों आप फलाही कामों के लिए डिस्पेंसरी से बाहर गए हुए थे। जब आप काफी दिनों के बाद डिस्पेंसरी आए तो आपका रवैया वही सख्त और जालमाना था, और ये रवैया अख्तियार करने की जो सबसे बड़ी वजह थी वो यही थी कि कोई भी गैर संजीदा अंदाज से काम ना करे, जिसकी वजह से सब आपके गुस्से से डर रहे थे। लेकिन एक लड़की ऐसी थी जो उस वक्त भी मुस्कुरा रही थी। जब ईदी साहब ने उस लड़की को देखा तो हैरान हुए, क्योंकि आपने पहले कभी भी उस लड़की को डिस्पेंसरी में नहीं देखा था। खैर, जब आपने डॉक्टर से उस लड़की के बारे में पूछा तो डॉक्टर ने कहा कि इस लड़की को आए हुए अभी चंद ही दिन हुए हैं, ये नर्स की ट्रेनिंग लेने आई है, इसका नाम बल्कीस है और ये काबिल लड़की है, यहाँ मौजूद सब लड़कियों से ज़्यादा लगन से काम करती है। फिर ईदी साहब जब भी डिस्पेंसरी आते तो वो लड़की उसी तरह खुश मिजाज नज़र आती। धीरे धीरे ईदी साहब को वो पसंद आने लग गई, लेकिन साथ ही उनको ये ख्याल भी आता कि जिस तरह अमीना और बाकी लड़कियों ने मुझे निकाह के लिए इनकार कर दिया तो ये भी कर देगी। खैर, ईदी साहब ने कैसे भी करके उस लड़की को निकाह की पेशकश कर डाली तो बल्कीस ने कहा कि मैं माँ से पूछकर बताऊंगी। फिर जब उसने अपनी माँ को बताया कि उसकी माँ ने ईदी साहब से ये सवाल किया कि आप मेरी बेटी को खुश कैसे रखोगे, फिर ईदी साहब ने उनको जवाब दिया, देखें मैं डिस्पेंसरी से कुछ भी नहीं ले रहा हूँ, ज़ाती आमदनी से पूरे ख़ानदान को पाल सकता हूँ। जब अमीना और डिस्पेंसरी की बाकी लड़कियों को इस चीज़ की खबर मिली तो उन्होंने बल्कीस के कान भरने शुरू कर दिए कि ये शख्स तुम्हारी ज़िंदगी को जहन्नुम बना देगा, इस मौलवी के पास है ही क्या तुम्हें देने के लिए, ये तो तुम्हें सूखी रोटी खिला खिला कर मार डालेगा। लेकिन बल्कीस ने बड़ी ही समझदारी से काम लिया,
उन्होंने अपनी माँ की बात मानते हुए ईदी साहब से निकाह के लिए हामी भर दी। फिर ये लड़की आती थी बिल्किस, बच्चों को बहुत अच्छी तरह संभालती थी, तो मैंने इसको पसंद किया। तो मैंने कहा बिल्किस, तो बोले मेरी माँ से पूछो, कि माँ को पूछा तो बोले भले आप कर लो। फिर 19 अप्रैल 1966 को जब आपकी शादी की तारीख तय पाई तो ईदी साहब के साथ कुछ ऐसा हुआ कि आप अपनी ही शादी में शामिल ना हो सके। दरअसल 19 अप्रैल को जब शादी की सारी तैयारियां मुकम्मल हो चुकी थी और दूसरी तरफ बारात का इंतजार किया जा रहा था, बारात रवाना होने ही वाली थी कि अचानक आपको इत्तला मिलती है कि एक बच्चा बहुत संगीन हालत में है, उसे अगर वक्त पर अस्पताल ना पहुंचाया गया तो वो दम तोड़ देगा। आपने तब ही गाड़ी निकाली और जरूरत का सामान लेकर उस बच्चे की मदद को पहुंच गए, जिसकी वजह से उस बच्चे को दोबारा जिंदगी मिल सकी। लेकिन ईदी साहब कहते हैं कि ये सारी भाग दौड़ में मुझे ये भी होश ना रहा कि मेरी जिंदगी की साथी मेरा इंतजार कर रही है। उन दिनों ईदी साहब ने अपने फलाही कामों के साथ साथ सियासत में भी कदम रखा। उनका सियासत में आना उस ख्वाहिश के तहत था कि वो निजाम में तब्दीली लाए और गरीब की मदद के लिए बड़े पैमाने पर काम कर सके। आपने जनरल अयूब खान के खिलाफ मोहतरमा फातिमा जना की खूब हमायत की। उनका मानना था कि मोहतरमा फातिमा जना पाकिस्तान की आवाम के हकूक के लिए बेहतर नुमाइंदा साबित हो सकती हैं। लेकिन इंतखाबात में फातिमा जना को शिकस्त का सामना करना पड़ा, जिसकी वजह से ईदी साहब पर खूब दबाव डाला गया। लेकिन जल्द ही उन्हें एहसास हुआ कि सियासत का माहौल उनके फलाही मकासद के लिए मौजू नहीं है। उन्होंने देखा कि सियासत में झूठ, मुनाफकत और जाती मफादात ज्यादा हैं, जो उनके इंसानियत के फलसफे से मुताबकत नहीं रखता, जिसकी वजह से उन्होंने सियासत को खैरबाद कहने का फैसला कर लिया और अपनी तवज्जो मुकम्मल तौर पर फलाही कामों पर मरकूज कर दी। साल 1973 जब भुट्टो साहब का दौर आया तो उन्होंने ऐलान किया कि इस साल हाजी जो हैं वो खुशकी के रास्ते हज करने जाएंगे और काफलों की सूरत में तैयारियां की जाएंगी और हर काफला 6 बसों, 1 वैगन और 250 अफराद पर मुश्तमिल होगा। फिर उन दिनों जब एक काफला हज पर जाने के लिए तैयार हुआ तो उनको एक एम्बुलेंस और एक नर्स की जरूरत थी। ईदी साहब के लिए एक बहुत ही ज्यादा सुनहरी मौका था। खैर, आप अपनी बेगम के साथ एम्बुलेंस लेकर उस काफले में शामिल हो गए। ईदी साहब ने उस सारे सफर के दौरान खुद गाड़ी चलाई। जब वो कोयटा से होते हुए उन इलाकों तक पहुंचे जहां सर्दी अपनी इंतहा पर थी तो उनको बहुत ही ज्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा। सर्दी की शिद्दत की वजह से आपके हाथ जो थे वो सुन हो चुके थे, लेकिन उसके बावजूद आप लोगों की मदद कर रहे थे। यहाँ तक कि 2 अफराद अपनी जान की बाजी हार गए और उनकी वही रस्ते में जो है उनको दफन किया गया। कई रोज की मुश्किलात और मशक्कत के बाद फिर जब वो काबा पहुंचे तो जज्बात की हद ही नहीं थी। ईदी साहब काबा के साथ लगकर खूब रोए और जब शैतान को कंकरियां मारने का वक्त आया तो आपने कुछ कंकरियां अपने हाथ में महफूज कर ली। जब आपकी बेगम ने आपसे पूछा कि आप इन कंकरियों का क्या करोगे तो ईदी साहब ने जवाब दिया कि मैं पाकिस्तान में मौजूद शैतानों को मारूंगा। क्या क्या किया था आपने शैतान को कंकरियां मारने का जब टाइम था? मैंने कहा पाकिस्तान में शैतान बहुत है, वहां नहीं मारूंगा। ईदी साहब ने पाकिस्तान में लोगों से चंदा इकट्ठा करना शुरू कर दिया और यहाँ तक कि ईदी साहब ने सड़कों पर जाकर झोली फैलाकर आवाम से चंदे की अपील की। उनका ईमान था कि हकीकी ताकत अवाम में है। वो कहते थे कि इस तरह फुटपाथ पर खड़ा होकर मांगना मेरा शौक नहीं है, बल्कि इस कौम को देने वाली बनाना चाहता हूँ। मैं सच्ची किसी के पास जाके मांगूं, ये भी मेरी कोई नियत नहीं थी। मैं ये चाहता था कि कौम को देने वाली बनाऊं। उन्होंने कभी भी हुकूमत से चंदा नहीं लिया, यहाँ तक कि बहुत सारे लोगों ने करोड़ों अरबों की पेशकश की। और यही नहीं बल्कि बाहर की एनजीओज भी कई दफा मदद को कहते लेकिन वो इनकार कर देते, और यही वजह थी कि अवाम उनके ऊपर इत्माद करती थी। और जब भी वो किसी फुटपाथ पर खड़े हो जाते तो अमीर से लेके गरीब तक सब उनको पैसे देते थे। ईदी साहब के सड़क के ऊपर चंदा मांगने के अमल को बहुत सारे लोगों ने नापसंद किया, लेकिन उस वक्त कोई भी खुलकर सामने नहीं आया। लेकिन फिर ईदी साहब ने एक ऐसा काम किया जिसकी वजह से पाकिस्तान भर के बड़े बड़े उलमा ने आपके ऊपर फतवे लगाना शुरू कर दिए और यहाँ तक कि आपको काफर तक कहना शुरू कर दिया। आखिर ईदी साहब ने ऐसा क्या काम किया कि इतना बड़ा बवाल जो है वो पैदा हो गया? दरअसल ईदी साहब ने देखा कि कराची में बहुत सारे लोग अपने नौजायदा बच्चों को गलियों, कूड़े के ढेरों, नहरों में फेंक देते, जिसकी वजह से वो मुर्दा हालत में पाए जाते, और अगर कोई एक दो बच्चे बच भी जाते तो वो इस कदर खराब हालत में होते कि उनको बचाना लगभग नामुमकिन हो जाता। ये मंजर उनके दिल को चीर गया।
वो ऐसी सोच में पड़ गए कि ऐसे बेकसूर बच्चों को बचाने के लिए ऐसा क्या किया जाए। खैर उन्होंने एक प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू किया जिसका नाम था झूला प्रोजेक्ट। इदी साहब ने अपने फ्लाही मराकज के बाहर झूले लगाना शुरू कर दिए और उन झूलों के ऊपर एक बोर्ड नसब कर दिया जिसके ऊपर ये लिख दिया गया कि कत्ल ना करें बल्कि झूले में डाल दें। फिर हर झूले में रोजाना कोई ना कोई बच्चा पड़ा हुआ नजर आता जिसकी वजह से गलियों कूड़े के ढेरों में बच्चे मुर्दा हालत में नजर आना कम हो गए। लेकिन इदी साहब के इस काम की वजह से पाकिस्तान भर के उलमा ने आपको तनकीद का निशाना बनाना शुरू कर दिया, आपके ऊपर फतवे लगे और आपके खिलाफ कंपेन चलाई गई कि कोई भी इदी को चंदा ना दे, यहाँ तक कि आपको जहन्नमी करार दिया गया। लोग जाके जिंदगी के इदारे को देते जो कहते हैं मैं इंसानियत की खिदमत करता हूँ, सत्य के बकरे वहाँ देते, ज़कात खैरात वहाँ जमा करते, जी वो बड़ा काम कर रहा है। उसने पेंगोला डाला है कि औरत जिना करके बच्चा दे आराम से यहाँ डाले, मैं उसका दादा बना हुआ पालूंगा उसके लिए। हरामियों के लिए पेंगोले लटका है, आपके खर्चे पर हरामियों की तरबियत हो रही है। जी वो बड़ा बाबा चला गया, जो भीख मांगता था वो चला गया, जो हरामी बच्चे पालता था वो चला गया, ये भी कोई रोने वाली बात है? 16,000 हरामी बच्चे पाल के एहसान करता है, मैं बच्चे पाले तू की लोगों को भीख मांग के बच्चे पाले और भी हरामी पाले। इदी साहब ने उनके जवाब में कहा कि मैं उनकी जन्नत में नहीं जाना चाहता और आपने कहा कि इस्लाम इन्हें बेसहारा फेंक कर कीड़े मकोड़ों और कुत्तों की खुराक बनाने की इजाजत नहीं देता। और अक्सर जब इदी साहब सड़कों से चंदा इकट्ठा करते और कुछ मौलवी हजरा जब आपसे मिलते तो वो सवाल करते कि इदी साहब आपकी एम्बुलेंस तो कादियानियों ईसाइयों हिंदुओं काफरों को उठाती है तो हम मुसलमान आपको चंदा क्यों दें? तो इदी साहब उनकी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहते कि मेरी एम्बुलेंस आपसे ज्यादा मुसलमान है। अब्दुल सत्तार इदी और उनकी बेगम बल्कीस इदी की मोहब्बत और शराकत दारी काबिले तारीफ थी। दोनों ने ना सिर्फ अज़दवाजी जिंदगी में एक दूसरे का साथ दिया बल्कि फलाही कामों में भी एक मजबूत टीम की तरह काम किया। बल्कि सीधी खुद एक नर्स थीं, उन्होंने खसूसन यतीम बच्चों की देखभाल और ख़वातीन की मदद में अहम किरदार अदा किया। इदी साहब की सादगी और असूल पसंदी को बल्कीस बेगम ने हमेशा सराहा, वो हमेशा इदी साहब के शाना बशाना खड़ी रहती और जहाँ भी जाते अक्सर उनके साथ जाया करती थी। इसी तरह इदी साहब जब अपनी बेगम के साथ एक मैयत को लेकर पंजाब जा रहे थे तो उनके साथ एक बहुत बड़ा हादसा पेश आ जाता है। जैसे ही इदी साहब रहीम यार खां पहुंचे तो उनकी एम्बुलेंस उलझ जाती है। अचानक तभी इर्द गिर्द लोग जमा हो जाते हैं, सबसे पहले बल्कीस बेगम को निकाला जाता है और खुदा का फजल था कि वो बिल्कुल सही सलामत थी। लेकिन जब इदी साहब को निकाला गया तो उनकी हालत तशवीशनाक थी, उनका सर फट चुका था, नाक टूट चुकी थी और जिस्म के दूसरे हिस्से में शदीद चोटें आई हुई थी। एम्बुलेंस में जो मैयत थी सबसे पहले उसको गाड़ी में डालकर घर वालों तक पहुँचा दिया गया। बाद में लोगों ने एक दूसरी गाड़ी में जो है वो इदी साहब और बल्कीस बेगम को बिठाया और रहीम यार खां के अस्पताल की तरफ रवाना कर दिया। जब वो अस्पताल पहुंचे तो देखा कि यहाँ कोई सहूलत मौजूद नहीं है, कोई दवाई नहीं है, कोई इलाज करने वाला सिस्टम नहीं है। खैर बल्कीस बेगम ने अपनी चादर फाड़कर इदी साहब की पट्टियां करना शुरू कर दी। फिर बल्कीस बेगम टांगे पर बैठकर डाक खाने गई और वहां जाकर उन्होंने कराची फोन किया कि खुदा के लिए जल्दी पहुंचो वरना इदी मर जाएगा। बोले ये औरत रो रही है ना, इसको फोन करने दो। मैंने यहाँ घर में फोन किया तो हमारे इंचार्ज ने उठाया तो मैं रो रही थी तो मेरा आवाज़ तो बदल जाएगा ना। मेरी माँ को बोलते हैं बिल्किस का फोन आया था कि इनका एक्सीडेंट हो गया है। लेकिन जब मीठा दर के लोगों तक किसी ने ये अफवाह पहुंचाई कि इदी मर चुका है तो लोगों ने दुकानें बाजार बंद किए और जोक दर जोक ट्रस्ट सेंटर के बाहर जमा हो गए और लोग रो रहे थे। फिर हादसे के 24 घंटे बाद आपके साथी रहीम यार खां पहुंचे और भुट्टो को जब इस चीज का इल्म हुआ तो उन्होंने जहाज भिजवाया जिस पर इदी साहब सवार होकर कराची आए और सिविल अस्पताल में उनको दाखिल कर लिया गया जहाँ आप 2 सालों तक जेर इलाज रहे। इदी साहब ऐसे बेशुमार भटके हुए लाचार लोगों का सहारा बन चुके थे जिनका कोई पूछने वाला नहीं था। कोई दिन ऐसा नहीं जाता था कि जवान औरतें अपने बच्चों के साथ ना आती हों। इदी साहब के सेंटर में वो ख्वातीन भी आती थी जिन्हें मुख्तलिफ वजूहात की वजह से घरों से निकाल दिया जाता था। इदी साहब ने बेसहारा ख्वातीन को ना सिर्फ पनाह दी बल्कि उनको इज्जत और एक नया आगाज भी फराहम किया। दूसरी तरफ इदी सेंटर में वो बूढ़े भी आकर पनाह लेते थे जिनकी औलाद उनको धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देती थी और अक्सर लोग अपने वालदेन को इदी सेंटर में जमा कराने आते तो वो कहते कि घर में जगह नहीं है। इदी साहब अपने सेंटर्स में अक्सर मासूम बच्चों के साथ भी वक्त गुजारा करते थे।
जब भी वो वहाँ जाते तो बाजार से उनके लिए तहाइफ और मुख्तलिफ किस्म के फ्रूट लेकर चले जाते। वहाँ सिर्फ आम बच्चे ही नहीं थे बल्कि वो माजूर बच्चे भी होते थे जिनके वालदैन माजूरी की वजह से उनको छोड़ जाते कि अब ये हमारे किसी काम के नहीं है। गुजर गए यहाँ पर हैं अब तो आपके साथ है ना, कह रहे हैं अबू जो है ना वो गुजर गए। इदी साहब ने जानवरों के लिए भी अलग से मराकज कायम किए हुए थे जहाँ जख्मी बीमार और बेसहारा जानवरों को पनाह दी जाती थी। इदी साहब ने ये सोचा कि इसके लिए मैं एक अलग ही सेंटर बनाऊँ। वो खुद भी इस बात के आदी है कि अगर वो ड्राइव कर रहे हों कहीं जा रहे हों तो रास्ते में अगर उन्हें कोई जख्मी जानवर नजर आ जाए वो गाड़ी रोक के उसको उठा लेते हैं। इन सेंटर्स में जानवरों को खाना दिया जाता, उनका इलाज किया जाता और जब तक उनको मुकम्मल तौर पर सेहतयाबी हासिल न हो जाती उनको नहीं छोड़ा जाता था। कुत्तों को मारो नहीं, बीमार है मुझे दे दो, मैं निपट लूंगा, मैं संभाल लूंगा। आपकी जिंदगी का हर पहलू इंतहाई सादा और आजजी से भरपूर था। वो ज्यादातर सूखी रोटी खाया करते थे और उनके पास एक वक्त में सिर्फ दो ही कपड़े हुआ करते थे। जब एक सूट मैला हो जाता तो वो उसे धोकर दूसरा पहन लेते और इसी तरह कई सालों तक सिर्फ उन दो सूटों में ही गुजारा करते रहे। 20 साल तक एक ही चप्पल के जोड़े में गुजारे और जब आपको चप्पल बदलने का कहा जाता तो आप कहते कि जो गरीब बच्चे बगैर चप्पल के अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं पहले वो चप्पल पहन लें फिर मैं भी नई चप्पल ले लूँगा। साल 1982 के अंदर इंडोनेशिया के सदर कराची आ रहे थे तो उनकी इस्तकबाल के लिए इदी साहब को भी दावत दी गई थी। बल्कीस बेगम ने कहा कि शायद इंडोनेशिया के सदर ने आपके काम के बारे में सुन रखा होगा और आपसे बात करना चाहते होंगे, तो जाने में क्या हर्ज है। इदी साहब अपनी बेपनाह मसरूफियात के बावजूद वहां गए तो देखा कि बड़े बड़े ऑफिसर आए हुए थे जो कि हाथ में गुलदस्ता पकड़े सदर का इंतजार कर रहे थे। इदी साहब भी उनके साथ खड़े हो गए। आप कहते हैं कि जब मैं उन लोगों के साथ अपने खस्ता हाल लिबास और टूटे हुए जूतों में खड़ा था तो वहां मौजूद चंद प्रोटोकॉल ऑफिसर मेरे पास आए और मुझे ऊपर से नीचे की तरफ देखने लग गए। उनमें से एक मेरे करीब आया और कहा कि इदी साहब जो अब आपको कहने वाले हैं उसके लिए हम माफी चाहते हैं। दरअसल प्रोटोकॉल के ऐसे मौका पर लिबास का ख्याल रखना पड़ता है, आपको या तो ये लिबास तब्दील करना पड़ेगा या फिर माफी के साथ जनाब दूसरी सूरत में आपको यहाँ से जाना पड़ेगा। इदी साहब कहते हैं कि उस वक्त मैं हर देखने वाली आंख के लिए एक जख्म था। मैंने उन ऑफिसर को कहा कि क्या हुकूमत को मदु करने से पहले मेरी जाहरी हालत का इलम ना था। फिर वो ऑफिसर वहां से चला गया और अपने साथ एक बड़े ऑफिसर को लेकर आया। उसने कहा कि इदी साहब आपसे दरख्वास्त है कि हमारे साथ बाहर चले। तो आप कहते हैं कि मैंने उन ऑफिसर को कहा कि ये मामला उसी वक्त तय पा गया था जब आपने मुझे यहाँ आने की दावत दी थी, अब इसमें कोई तब्दीली नहीं हो सकती। वहाँ मौजूद लोग ये सारा तमाशा देख रहे थे। आप ये सोच रहे थे कि इतने बरस पर मोहित अनथक और शबो रोज काम करने के बाद भी मेरी ये हैसियत ना थी कि मैं उन लोगों की सफ में खड़ा होने के काबिल हो सकता जिनका काम सोने खाने और लूट कसोट के सिवा कुछ ना था। लेकिन इदी साहब को उन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता था, उनके लिए उनका मकसद ही सब कुछ था। इदी साहब ने अपने फराइज कभी भी हदूद में कैद नहीं किए, वो इंसानियत के अलम बरदार थे। उन्होंने रंग नस्ल कौमियत की दीवार को तोड़कर सिर्फ एक मकसद अपनाया, इंसानियत की खिदमत। पाकिस्तान में जब भी कोई मुश्किल वक्त आया चाहे वो सैलाब हो जलजला हो या कहत, इदी साहब की एम्बुलेंस सबसे पहले पहुंचती। उनका दिल उनके हाथ और उनकी खिदमत हमेशा इंसानियत के साथ रहती। इदी साहब की खिदमत सिर्फ पाकिस्तान तक महदूद ना थी बल्कि दुनिया के दूसरे ममालिक में भी जब जलजले आते कहत पड़ते या किसी भी इंसानी बहरान ने जन्म लिया तो इदी साहब अपने हाथ बढ़ा देते, चाहे वो अफ्रीका के कहत ज़दा इलाके हों या मशरिक़ वस्ता की जंग ज़दा ज़मीनें। हर जगह इदी फाउंडेशन मुतासरीन की मदद करती। 9 जुलाई 1992 सुबह के 3 बजे रावलपिंडी से रवा दवा एक मुसाफिर रेलगाड़ी घुटकी के रेलवे स्टेशन पर जड़ावाला से आने वाली एक माल बरदार ट्रेन से टकरा गई। तकरीबन 100 के करीब अफराद के मरने और जख्मी होने की खबर पहुंच चुकी थी। इदी साहब और उनकी टीम पूरी तैयारियों के साथ घुटकी की तरफ रवाना हो गई। जब वो घुटकी सिर्फ चंद मिनट ही दूर था तो इदी साहब को फोन आया कि आपका नवासा बिलाल जो कि अस्पताल में जेरे इलाज था वफात पा चुका है। ये सुनते ही इदी साहब को बहुत बड़ा धचका लगा क्योंकि वो अपने नवासे बिलाल से अपनी जान से भी ज्यादा मोहब्बत करते थे। तो जब पायलट ने इदी साहब को कहा कि अब हमें वापस मोड़ लेना चाहिए तो इदी साहब ने उसे कहा कि नहीं नहीं
अब बहुत देर हो चुकी है, हमें खासा काम करना है, बल्कि इसको बताएं कि उसकी तदफीन का इंतजाम करें और मेरा इंतजार ना करें। इदी साहब जब वहां पहुंचे तो देखा कि बहुत सारे लोग जख्मी थे, आप उन सब की मदद कर रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं बिलाल का ख्याल भी उन्हें सताए जा रहा था। वो रोना चाहते थे लेकिन वो अपने आंसुओं को पी रहे थे। वहां मौजूद सब लोग इदी साहब को पकड़ पकड़ कर कह रहे थे कि मेरी माँ कहाँ है, मेरा भाई कहाँ है, मेरे बच्चे कहाँ हैं, हर तरफ आवाजें ही आवाजें। खैर इदी साहब ने अपने गम को एक तरफ रखकर लोगों की मदद करना शुरू कर दी। जब काम खत्म हुआ तो इदी साहब वापस घर की तरफ रवाना हुए, तब तक बिलाल को दफन किया जा चुका था। आपने बिलाल की कब्र की मट्टी को आंखों से लगाकर उसे महसूस करना शुरू कर दिया कि ये वही बिलाल था जो मेरे साथ सुबह सवेरे उठ खड़ा होता और मेरे साथ मिलकर मेरी बासी रोटी खाता, और जब बल्कीस उस मासूम का नन्ना सा हाथ पकड़े दफ्तर तक उनको चला कर लाती थी तो ये मंजर देख कर मेरे सारे दुख दूर हो जाते थे। उस दिन जिंदगी में पहली बार लोगों ने इदी साहब को रोते हुए देखा। अब्दुल सतार इदी साहब पाकिस्तान के सबसे बड़े इंसान दोस्त और सामाजिक कारकुन बन चुके थे। आपने पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में तकरीबन 330 के करीब इदी सेंटर कायम किए, जिसमें पनाहगाहें, लंगर खाने, मरीजों के लिए हस्पताल, हामला औरतों के लिए जिच के मराकज, मजदूरों के लिए ट्रस्ट सेंटर, यतीम खाने, पागल खाने, ब्लड बैंक, सर्द खाने, लावारिस बच्चों को गोद लेने के अदारों से लेकर जानवरों के लिए हॉस्टल तक कायम किए। आपने 20,000 नौ ज्यादा लावारिस बच्चों से लेकर 50,000 यतीम बच्चों की परवरिश की। उस सारे अरसा के दौरान तकरीबन 40,000 नर्सों की तरबियत की गई। आपने 1,25,000 से ज्यादा मैयतों को गुसल दिया। इदी फाउंडेशन के दफातर सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि अमेरिका, यूके, दुबई, कैनेडा, ऑस्ट्रेलिया, नेपाल, बांग्लादेश में भी मौजूद है। और इदी साहब ने दुनिया के सबसे बड़ी एम्बुलेंस सर्विस कायम करके दिखा दी, जिसमें तकरीबन 1800 के करीब एम्बुलेंस शामिल हैं और उनको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज किया गया। और आपने ये दुनिया की सबसे बड़ी एम्बुलेंस सर्विस बगैर किसी हकूमती मदद के बनाई। आपने अपनी जाती मेहनत, कुर्बानी और अवामी तआवुन से उसको उस मकाम तक पहुंचाया। अब्दुल सतार इदी साहब को उनकी बेलोस खिदमत के एतराफ़ में उन्हें पाकिस्तान और दुनिया भर से बेशुमार एजाजात और इनामात से नवाजा गया। साल 1986 में हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से उन्हें निशान इम्तियाज से नवाजा गया। 1988 में सोवियत यूनियन ने उन्हें लेनिन पीस प्राइज और फिलीपींस ने उन्हें रैमन मैक्सेसे अवार्ड से नवाजा। इसी तरह दुनिया भर से मुख्तलिफ ममालिक ने उन्हें तकरीबन 350 के करीब अवार्ड दिए। इदी साहब की बेमिसाल शोहरत और लोगों की उनसे मोहब्बत देखकर पाकिस्तान सियासतदान उन्हें सियासत में लाने की कोशिश कर रहे थे। सियासी जमातें उन्हें अपने हक में इस्तेमाल करना चाहती थी ताकि वो हुकूमत के खिलाफ एक मजबूत आवाज बन सकें। साल 1994 में लंदन की एक तकरीब में इमरान खान साहब लोगों से शौकत खानम हस्पताल के लिए अतियात जमा कर रहे थे, जिसमें उन्होंने इदी साहब को भी मदु किया हुआ था, तो इदी साहब ने 1,25,000 रुपए अतिया किए। प्रोग्राम के दौरान इमरान खान इदी साहब के पास आए और कहा कि आपको पता ही है कि पाकिस्तान के अंदर हुकूमत अवाम का क्या हाल कर रही है, अगर इसी तरह चलता रहा तो पाकिस्तान का मुस्तकबिल खतरे में पड़ सकता है। फिर खान साहब ने उनके करीब आते हुए कहा कि आप हमारे साथ एक प्रेशर ग्रुप में शामिल हो जाएं, हम मिलकर हुकूमत पर दबाव डालेंगे। उस वक्त पाकिस्तान में बेनजीर की हुकूमत थी, तो इदी साहब ने खान साहब को कहा, चेहरे की तब्दीली से निज़ाम नहीं बदल सकता। ये कहते ही इदी साहब वहाँ से वापस आ गए। जब वो पाकिस्तान पहुँचे तो लेफ्टिनेंट जनरल हमीद गुल ने भी इदी साहब से मुलाकात की और वही बात दोहराई जो इमरान खान ने कही थी, तो इदी साहब ने उनको भी साफ साफ कह दिया कि मैं अपने काम के सिवा कोई और काम नहीं कर सकता। बेनजीर को हटाना चाहता था लेकिन मेरे कंधे पे बंदूक चला के हटाना था, मैं इनको इनकार कर मैंने उनको इनकार किया कि मैं बेनजीर को नहीं हटाने में कोई मदद करूंगा। तो मुझे इन लोगों ने कहा था कि हम आपको किडनैप करके ले जाएंगे, बयान दे देंगे। फिर वो दिन आया जब इदी साहब के ऊपर एक कातिलाना हमला हुआ। इदी साहब मामूल के मुताबिक रात को सेंटर के बाहर अपने एक साथी के साथ बैठे हुए थे। उसी वक्त दो मोटरसाइकिल सवार आए और उन्होंने इदी साहब को कहा कि एक गरीब आदमी मर गया है, उसके घर वालों के पास तदफीन के लिए कुछ नहीं है, उनकी मदद करें।
तो ईदी साहब ने अपने साथी के साथ मिलकर कफन और कुछ दूसरी चीजें जो है वो इकट्ठा करना शुरू कर दी और गाड़ी निकाल ली। उनमें मोटरसाइकिल सवार अफराद में से एक आपके साथ गाड़ी में बैठ गया जबकि दूसरा स्कूटर पर सवार रहनुमाई करता रहा। फिर कुछ ही फासले पर जाकर वो कहीं खो गया। वो लड़का जो गाड़ी में बैठा था वो ईदी साहब को गलियों में घुमाता रहा और बाद में वो भी ये कहकर उतर गया कि मैं दूसरे लड़के को ढूंढ के लाता हूँ। ईदी साहब समझ गए थे कि दाल में जरूर कुछ काला है। फिर आपने अपने साथ बैठे साथी को कहा कि अब अगर वो आए तो हम उनको पकड़ लेंगे, लेकिन उसे समझ नहीं आई कि आखिर ईदी साहब क्या कह रहे हैं। फिर जब वो लड़के दोबारा आए तो ईदी साहब ने एम्बुलेंस की तेज लाइट उन पर डाल दी और बिजली की रफ्तार के साथ उन दोनों को पकड़ लिया। उनके हाथ पीछे को मोड़ दिए तब ही उनके हाथों से खंजर नीचे गिर गया। जब खंजर नीचे गिरा तो सड़क पर मौजूद टैक्सी और रिक्शा ड्राइवरों की खासी तादाद जमा हो गई और उनको मारना शुरू कर दिया। लोगों ने कहा कि पुलिस को बुलाया जाए, लेकिन ईदी साहब ने उनके इस हाल पर तरस खाकर उनको छोड़ दिया। साल 2015 एक हिंदुस्तानी फिल्म रिलीज होती है जिसका नाम था बजरंगी भाईजान। इस फिल्म में सलमान खान एक गूंगी लड़की को पाकिस्तान छोड़ने जाता है जो कि गलती से हिंदुस्तान आ गई थी, जिसकी वजह से इस फिल्म को ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया भर में पसंद किया जाता है। ये तो सिर्फ एक फिल्म थी, लेकिन आप ये सुन के हैरान होंगे कि असल में भी एक शख्स ऐसा था जिसने एक गूंगी बहरी लड़की को पाकिस्तान से हिंदुस्तान पहुंचाने में मदद की थी और वो शख्स था अब्दुल सतार ईदी। दरअसल एक 11 साल की गूंगी बहरी हिंदुस्तानी लड़की गलती से बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान के शहर कराची पहुंच जाती है। जब रेलवे स्टेशन पर लोग उससे बात करने की कोशिश करते हैं तो वो बोल नहीं पाती, जिसकी वजह से वो उसे ईदी सेंटर पहुंचा देते हैं जहां पर बल्कीस ईदी उनकी जिम्मेदारी ले लेती हैं। क्योंकि वो गूंगी थी और कुछ बात भी नहीं कर पाती थी, जिसकी वजह से उसका नाम फातिमा रख दिया गया। ईदी साहब बाकी तमाम लड़कियों की तरह उसके साथ भी एक बाप की तरह प्यार करते। शुरू शुरू में तो उसके मजहब का अंदाजा लगाया नहीं जा सका था, जिसकी वजह से वो भी बाकी लड़कियों की तरह नमाज भी पढ़ती, रोजे भी रखती, लेकिन बाद में वो एक घंटी का इशारा करती। फिर जब वो हाथ जोड़ती और पांव पड़ती तो ईदी साहब और बल्कीस ईदी ने अंदाजा लगाया कि ये तो हिंदुस्तान का कल्चर है, तो हो सकता है कि ये हिंदुस्तान से आई हुई हो और हिंदू हो। उसके बाद उस लड़की का नाम गीता रख दिया गया। और पांव पकड़ने लगी, हाथ जोड़े, पांव पकड़े और इतनी रोए और बोले कि ना मेरे को घंटी वाले के पास ले जाओ। तो मैं सोची क्या बोल रही है, फिर जब इसको समझ गई ना मैं कि ये मेरी पड़ोसी मुल्क की बेटी है, उसी वक्त मेरे मुंह से गीता नाम निकला। फिर ईदी साहब ने फैसला किया कि उसे वापस हिंदुस्तान भेजा जाए ताकि ये अपने माँ बाप के पास जा सके। खैर फिर 12 साल बाद गीता बल्कीस ईदी के साथ हिंदुस्तान पहुंच जाती है, जिसकी वजह से पीएम मोदी ईदी फाउंडेशन को 1 करोड़ देने की पेशकश करते हैं, लेकिन ईदी साहब उसे लेने से इनकार कर देते हैं। ईदी फाउंडेशन टुडे टर्न डाउन द 1 crore रुपी डोनेशन अनाउंस्ड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी फॉर द फाउंडेशन आफ्टर द फाउंडेशन हैड टेकन केयर ऑफ गीता ड्यूरिंग हर 13 ईयर लॉन्ग स्टे इन पाकिस्तान। मैं इतना सख्त हूँ और चुस्त हूँ कि पाकिस्तानियों के सिवा मैं किसी से चंदा नहीं लेता, मुझे पाकिस्तानी देते हैं। ईदी साहब अब काफी कमजोर हो चुके थे। वो दिली तौर पर चाहते थे कि मैं हर वक्त इंसानियत की खिदमत करता रहूं, लेकिन उनका जिस्म इस चीज की इजाजत नहीं दे रहा था। आपको कई बीमारियों ने घेर रखा था, लेकिन वो कभी भी उन मुश्किलात को अपनी खिदमत के रास्ते में रुकावट बनने नहीं देते। ईदी साहब को जब शदीद बीमारी लाहक हुई तो डॉक्टरों ने उन्हें मुकम्मल आराम का मशवरा दिया, लेकिन ईदी साहब ने एक लम्हा भी उस नसीहत को कबूल नहीं किया। उनका ईमान था कि ज़िंदगी का मकसद लोगों की खिदमत है। वो उस फरीजे से गफलत बरतने का सोच भी नहीं सकते थे, उनके गुर्दे नाकारा हो चुके थे। फिर वो दिन आया जब ईदी साहब इस कदर बीमार हो चुके थे कि वो चल भी ना सकते थे। जो उनको प्राइवेट अस्पताल ले जाने का मशवरा दिया गया तो उन्होंने कहा कि प्राइवेट अस्पताल नहीं जाऊंगा, मुझे गवर्नमेंट अस्पताल लेकर चलो। जब तक मुल्क के सरकारी अस्पताल मजबूत नहीं होंगे, गरीब मरते रहेंगे। आपकी इस हालत के बारे में सुनकर रहमान मलिक आसफ अली जरदारी का पैगाम लेकर आए कि आप हुक्म करें, आप दुनिया के जिस हॉस्पिटल में भी कहेंगे हम आपका वहाँ पर इलाज करवाएंगे। लेकिन ईदी साहब ने इशारा करते हुए कहा कि मैं यहीं पाकिस्तान में ही इलाज करवाऊंगा। आज मैंने उनको कहा है कि आज अभी इशारा करें, हम एयर एम्बुलेंस ले आते हैं, जिस हॉस्पिटल में दुनिया में कहते हैं हम लेके चलते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि पाकिस्तान के सरकारी अस्पताल में मैंने इलाज कराना है। फिर दिन आया 8 जुलाई 2016,
मोहसिन इंसानियत अब्दुल सत्तार ईदी वफात पा गए। ये ऐसा आदमी दुनिया में कभी पैदा भी नहीं होगा।